सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग ये जानेंगे कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस समय समझ में ही नहीं आता है कि हमारे इस दुख को, हमारे इस कार्य जो किस कार्य में उलझ गए हैं, इससे कौन छुटकारा देगा। कितनों ही आप सामर्थ्यशाली हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, बल हो, बुद्धि हो, सब कुछ है, फिर भी आप फंस गए किसी जाल में और कोई युति काम नहीं आ रही है। न आपका बल काम आ रहा है, न बुद्धि काम आ रही है, न ही अपने जो वीर योद्धा वो काम नहीं आ रहे हैं। मतलब आपके पास जितनी ताकत है सब ताकत निष्क्रिय पड़ी हुई, आप उसका उपयोग ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी जीवन में हुआ है तो उसमें क्या करें हम? एक कथा के माध्यम समझते हैं। आप देखे हैं कि जब जो द्रौपदी रहती है, जब दुर्योधन भेजता है अपने भाई दुःशासन को कि जा इस भरी सभा में द्रौपदी को ले आ, तो द्रौपदी के तो पांच पति थे और पांचों महान धनुर्धर बलवान थे, एक एक से थे, एक स्त्री पांच पति इतनी ताकतवर, उसे तो गुमान रहेगा ही, सुंदर तो थी। मेरे पांच पति वो भी बड़े वीर योद्धा हैं, इनके सामने तो कोई टिकता नहीं। लेकिन ऐसा भी समय आ गया, दुःशासन चला जाता है कमरे में बिना टोक रोक के और कहता है तुम चलो सभा में, तुम चलो सभा में, तुम्हें दुर्योधन लाया है। वो कहती है कि दुःशासन, पहले तो मैं तुम्हारी भाभी हूँ समझो, और मैं रजस्वला हूँ, मैं एक ही वस्त्र में हूँ, उस सभा में मेरे ससुर जी हैं जिनके सामने ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके सामने मैं एक वस्त्र में नहीं जा सकती, ऐसी गलती ना करो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? इतने पे तो दुःशासन गुस्सा आ गया, आंखें लाल लाल कर ली और तुरंत उसके बालों को पकड़ा और घिसने लगा। द्रौपदी बिचारी क्या करती, वह भी डर गई। सभा में पहुंचती है तो एक ही प्रश्न करती है, वो अपने पतियों से भी कहती है, लेकिन सब सर झुका के बैठे हुए थे। पति क्या विपत आ गया कि पांच पति अपनी पत्नी की लाज को नहीं बचा पा रहे हैं और सबके सामने ये हो रहा है कि उसकी पत्नी को निर्वस्त्र किया जा रहा है। ऐसा समय आ गया, राजा थे वे लोग, वो रानी थी, एक रानी को दासी के बना दिया गया, दासी, उससे कहा जा रहा है कि तुम दासी हो, दुर्योधन की सेवा करो, और पांचों पति उसके वहीं बैठे हुए हैं दास की तरह, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं जिसे कहा जाता है, कुछ भी नहीं, वो भी सर झुका के बैठे हुए हैं। वहां पर जो ससुर हैं, जो भीष्म पितामह हैं, धृतराष्ट्र है, द्रोणाचार्य हैं, सब लोग सर झुका के बैठे हुए हैं, कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, कोई दुर्योधन के खिलाफ नहीं बोल पा रहा है। ऐसा समय आ गया, सबसे हाथ जोड़ के विनती करती है द्रौपदी कि मेरी लाज को बचा लो। दुःशासन से कहती है मुझे नग्न करने की कोशिश मत करो, मेरे वस्त्र को मत खींचो। फिर भी अर्धनग्न तो हो ही चुकी थी, डर चुकी थी, सबसे गुहार लगाई, जहां तक उसे लगा वहां तक लगाई, कोई भी नहीं सुन सका, उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाया। तब अंत में उसने क्या किया, तब वह अंत में जब सब लोग से वह हार गई, उसके पति नहीं साथ दे सके, न उस सभा में जो वरिष्ठ लोग थे जिनको लगा कि मेरी लाज बचा सकते हैं, कोई भी नहीं आया सामने, तब वो थक हार कर भगवान का स्मरण करने लगी, हे प्रभु, हे दीनानाथ, उन्हें अपना भाई भी मानती थी।
और भगवान श्री कृष्ण को पुकारी। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पुकार सुनते हैं वैसे ही दौड़े आते हैं और उसके वस्त्रों को जो कि दुःशासन खींच रहा था कि नग्न हो जा, उन्होंने अपनी शक्ति से उस वस्त्र को बढ़ाने लगे। कहा जाता खुद वस्त्र बन चुके, वस्त्र बनकर भगवान द्रौपदी की रक्षा करते हैं। तो जहां आप इतने बलवान हैं बुद्धिमान हैं, कभी ऐसा भी समय आ सकता है सब कुछ रहते हुए, कहा जाता है ना एक समय ऐसा आएगा शरीर भी नहीं साथ देगा, उस समय ईश्वर का नाम ही साथ देता है, क्योंकि ईश्वर में वह शक्ति है जो कोई नहीं कर सकता, वह ईश्वर कर सकता है। तो ईश्वर पर जिसका अटूट विश्वास होता है वह ईश्वर को जरूर पुकारता है, और भगवान भी कोई श्रद्धा से उन्हें पुकारे जरूर सुनते। लेकिन मन सच्चा होना चाहिए, किसी की बर्बादी के लिए भगवान को मत पुकारिए कि हे भगवान आओ और इसको तबाह कर दो, तब तो भगवान तुम्हें ही तबाह करेंगे। ईश्वर को पुकारिए, किसी संकट में हैं या ऐसे भी हैं तो भी भगवान का नाम जपिए। लोग कहते हैं ना कि जब संकट में व्यक्ति पड़ता तो भगवान का ही नाम याद आता है, संकट में पड़ने भगवान का नाम याद करता है। तो संकट में पड़े ही ना हम उसके पहले ही भगवान का नाम लो। देखिए जीवन है तो कष्ट तो होना ही है, जीव ये जीव जीव जैसे ही धरती पर आया यहां तो भोगने के लिए आता ही है, यह धरती जीवों को भोगने के लिए ही बनी हुई है। यह कभी मत सोचिए कि जिंदगी में हमेशा सुख ही सुख प्राप्त होगा। दर्शन में बताया गया है अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक, यह तीन दुख हैं और इन तीन दुखों से व्यक्ति अपने जीवन में जरूर गुजरता है। अधिदैविक दुख, अधिभौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, अपने जीवन काल में इन दुखों से गुजरता है व्यक्ति और सहन करता है। जो सहन करता है वही आगे बढ़ता जाता है, और जिसने सहन नहीं किया समझ लीजिए खत्म हो गया। तो ये दुख तो आते ही हैं। तो जब भी आपके जीवन में दुख आता है उस समय भगवान का ही स्मरण हम करते हैं, तो जहां हमारी कोई रक्षा न कर सके उसमें ईश्वर को पुकारना चाहिए, और सच्चे मन से जब कोई ईश्वर को पुकारता है तो उसकी पुकार ईश्वर जरूर सुनता है। अब ऐसा नहीं कि ईश्वर को आप ट्रक के नीचे जाके पुकारे हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, तो भगवान कभी नहीं आएंगे। संकट में पड़े हैं आप तब जानबूझ को संकट मोल ले रहे हैं तब तो नहीं, अधर्म कार्य कर रहे हैं तब भी नहीं साथ देंगे, क्योंकि ईश्वर सिर्फ धर्म का साथ देता अधर्म का कभी नहीं। कभी कभी लोग दूसरे को संकट में डाल देते हैं और कहते हैं कि कुछ इसके पाप कर्म रहे होंगे। अरे भाई तुम्हारा चित्त कैसा है, तुमने जब बोला पाप कर्म किए तभी तुम पाप कर दिए, किसी को दुख दे के कोई सुखी रहा है? हाँ अपने शत्रु को बड़ा दुख दे के बड़ा खुश प्रसन्न हो भाई, हम उसको अगर दुख दे के खुशी प्रसन्न कर ये भी तुम्हारी गलती है ना है, क्योंकि सब जानते हैं कि सभी जीव परमात्मा के अंश है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो हम क्यों किसी को दुख दें? हाँ एक अलग बात है जैसा कि भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, जब कोई आपके हक को न दे तो अलग ही बात होती है वो। लेकिन जहां तक सवाल है जीवन में आप अपने द्वारा सत्य और धर्म के अनुसार ही जीवन को व्यतीत कीजिए, गलत मार्गों से जहां हो सके दूर रहिए। अब व्यक्ति है तो व्यक्ति से गलतियां तो होती ही होती हैं, लेकिन कोशिश करें, इसीलिए तो स्वाध्याय बताया गया है कि नित अपने जीवन में क्या घटनाएं घटी है उसे कोशिश कीजिए कि दोहराएं न हो, अच्छी बातों को दोहराएं, गलत बातों से दूर रहें। और ये भी कहा गया है ईश्वर से सदैव रिश्ता आपका बना रहे, इसलिए ईश्वर की पूजा सदैव ऐफानी धुबत्ती माला चढ़ाएंगे तभी मन से जरूर नहीं याद कीजिए। विपत्ति तो आएगी ही, जीवन मिला तो विपत्ति आएगी, लेकिन उस विपत्ति से लड़ने की ताकत आपको ईश्वर देता है, सहन शक्ति देता है। कहते हैं ना कि भगवान विपत दिए हो ना सहने की ताकत भी दो, और वही देगा, मानव क्या देगा? मानव तो इसलिए बनाया गया है, रिश्ते हैं ताकि ये आपकी मुसीबत में साथ दे, लेकिन अच्छे रिश्ते मिलना बड़ा ही
मुश्किल है। भगवान ने ही हमें भेजा है, भगवान ही हमारी रक्षा करता है। यह शरीर भी एक दिन साथ नहीं देगा, तो किस चीज का घमंड करें हम? सब जानते हैं इस सत्य को, लेकिन सब लोग घमंड में, अहम में पड़े रहते हैं कि लगता हजारों साल इस पृथ्वी पर वही जीवित रहेंगे। भाई कुछ अच्छे कार्य भी कर ले, कुछ लोग को प्रसन्न भी कर ले। अब अनजाने में किसी को कष्ट हम दे दिए तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सबको प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी कहा गया जब भगवान राम ही इस धरती पर आकर सबको प्रसन्न नहीं कर पाए, अधिक से अधिक लोगों को ये कोशिश होना चाहिए। और जहाँ हमारे रहने से किसी को कष्ट हो, कोशिश करें कि अगर आप दूर जा सकते तो वहाँ से दूर चले जाइए कि भैया मुझे मत देखो, मेरे ये देखने से अब कष्ट हो रहा है तो मैं ही दूर जा रहा हूँ, आप ही प्रसन्न रहिए यहाँ पर। कुल मिला के यही है, जब भी कोई आपकी आवाज़ को न सुने, आपके विपद दूर न हो, आपके दुख दूर न हो, तो ईश्वर की शरण लीजिए। ईश्वर के शरणागत जो हुआ है, भगवान उस कष्ट से लड़ने की ताकत दिया है और उस कष्ट दूर भी किया है। अनेक कथाओं में, अनेक आप धार्मिक ग्रंथों में ऐसा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और दिन। तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।